support Sindhi content. Visit our new website now and enjoy all your favorite videos at one place. SindhTV.tv. मैं शेफ फैसल तव्हांजी सभु कुकिंग शो में त सभु ख़ैरियत सां हूंदा आहिनि। जेका रेसिपीज़ ठाहींदा आहिनि तव्हांजी फरमाइशुनि जे मुताबिक़, लेकिन अॼु खां रमज़ान जी रेसिपी स्टार्ट कंदासीं। रमज़ान जी तमामु सुठी तयारी कंदासीं, जेके काफ़ी सारी वैरायटी हूंदी आहे असां रमज़ान में यूज़ कंदा आहियूं ऐं जेके फ्रीज़ करे रखंदा आहियूं, ख़ासि कर समोसा, रोल, कबाब, फ्रोज़न पराठा, इहे सभु शयूं जॾहिं असां सभु फ्रीज़ कंदा आहियूं त पोइ उन जी क्वांटिटी ऐं उन जे केतिरे तरीक़े सां ऐं केतिरी क्वांटिटी में ठाहिणु खपे सभु तव्हांखे ठाहिणु सिखंदमि। उहे रेसिपी हाणे मां स्टार्ट कयां पियो मांदा पटी का। मांदा पटी जेका समोसनि जी ऐं जेका रोल मिलंदा आहिनि चिकन वेजिटेबल रोल, उनजी जेका पटियूं ठहंदियूं आहिनि उहे कीअं ठहंदियूं, उनजी फिलिंग कीअं थींदी, उनमें कहिड़ी कहिड़ी शयूं वेंदियूं, चिकन वेजिटेबल केतिरी केतिरी क्वांटिटी में वेंदी, इहे सभु शयूं तव्हांखे ठाहिणु सेखारिबियूं। नोट कजो, सुभाणे 11 लॻे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ सां मुंहिंजो पेज आहे, उते रेसिपी अपलोड थींदी आहे। इहा रेसिपी ठाहींदासीं शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु, शारजा कुकिंग ऑयल, शारजा बनस्पति घी, वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल आहे, लो कोलेस्ट्रॉल घी आहे, ओमेगा 3 मौजूदु आहे, हर जॻह अवेलेबल आहे ऐं रेसिपी तमामु मज़ेदार आहे, इनखे ज़रूरु ट्राई कजो। जंहिंजी जंहिंजी फरमाइश आहे त नोट कंदा वञो, छाकाणि त बार बार मां पोइ रमज़ान में इहा रेसिपी रिपीट न करे सघंदमि। हिन करे इहे जेके 2 वीक आहिनि हिन में जेके रेसिपीज़ ठाहियां पियो सभु उहे रेसिपीज़ आहिनि जेको पहिरीं खां ठाहे रखबियूं, ठीकु आहे। अॼु की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, शारजा कुकिंग ऑयल वाइटामिन ए और डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति घी, अब रमज़ान आ रहा है तो बनस्पति घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, खासकर फ्रोज़न पराठे या पराठे जब हम फ्राई करते हैं घी का इस्तेमाल करते हैं। और रेसिपी आज मैं क्या बना रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि इस वीक से हम रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जो हम फ्रोज़न करके रखते हैं, जिसमें पराठे, रोल, समोसे, फ्रोज़न और कबाब हैं, बहुत सारी इस तरह की वैरायटी हैं, चटनियाँ हैं, सॉसेस वगैरह हैं, केचप वगैरह सब बनाना आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं फर्स्ट रेसिपी जो स्टार्ट कर रहा हूँ रमज़ान के हिसाब से, मांदा पट्टी किस तरह बनती है, तवे के ऊपर उसको बनाया जाता है, किस तरह उसकी डो बनती है, कटिंग कैसे होती है, और उसमें जो फिलिंग आज करेंगे स्प्रिंग रोल बनाएंगे। स्प्रिंग रोल जो चिकन वेजिटेबल रोल होते हैं, ये फ्रीज़ करके आप पूरे महीने के लिए भी रख सकते हैं, 15 दिन के लिए भी रख सकते हैं, क्वांटिटी वाइज वो अप टू यू, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी आप बनाएंगे, ठीक है। रेसिपी स्टार्ट करूँगा और इसको डिटेल में बताता जाऊँगा, फिर इंशाल्लाह कल से बहुत सारी वैरायटी है जो रमज़ान के हिसाब से वो भी कंटिन्यू रखेंगे। सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा, कोई चीज़ समझ ना आए या लाइट चली जाती है तो आप रिपीट में दे सकते हैं। टैंग तमामु बहितरीन ड्रिंक आहे असां सां गॾु, जंहिंमें 5 नया फ्लेवर हाणे मार्केट में दस्तियाबु आहिनि, नई पैकिंग में आहे, जंहिंमें पाइन एपिल आहे, मौसम्बी आहे, मौसम्बी फर्स्ट टाइम मां बि ॾिठो आहे तमामु मज़ेदार, ऐं लेमन ब्लैक पेपर जो फ्लेवर आयो आहे, जीअं असां लीमू जो शरबत ठाहे पीअंदा आहियूं उहो बि फ्लेवर हिन ॾिनो आहे, तमामु सुठो आहे। लेमन ब्लैक पेपर, लेमन पेपर आहे, ऑरेंज आहे, पाइन एपिल आहे, एपिल आहे, टैंग आहे ऐं मौसम्बी आहे, ऑरेंज बि आहे, ठीकु आहे। इहे रेसिपीज़ तमामु हिन जी सुठी ड्रिंक्स ठहंदियूं ऐं इहे तव्हां वठो, मार्केट में अवेलेबल आहिनि हर जॻह, पाउच में बि मिलनि पियूं ऐं दॿे में बि मिलनि पियूं, ऐं रमज़ान में सॼो महीनो असांखे शरबत जी ज़रूरत हूंदी आहे, त हिन जा सॼा फ्लेवर्स वठी रखो, डेली तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां हिकिड़ो फ्लेवर ठाही सघो था। हिन जो तरीक़ेकार छा आहे की हिकु ग्लास में 2 खाइण जा चमचा तव्हां ड्रिंक मिलाईंदो ऐं हिकु जग अगरि फैमिली पूरो जग ठाहिणु चाहियो पियो, वधीक मेंबर्स आहियो त 11 खाइण जा चमचा तव्हां हिन में ड्रिंक पाउडर विझंदो, खंडु विझण जी ज़रूरत नाहे, तमामु मज़ेदार इहो ड्रिंक, ऐं ॿारनि खे ॾियो, गर्मी आहे जीअं लू खां बचाइण जी लाइ बि तमामु सुठी आहे, ऐं फैमिली में जीअं डिनर आहे, लंच आहे, मानी सां गॾु बि हिकिड़ो जग ठाहे रखी सघो था। किचन में हलंदासीं, रेसिपी कंदासीं स्टार्ट। मांदा पट्टी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए होगा डो, ठीक है। डो बना के पहले से पेड़े बना के रखे हैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता कि आटा गूंद के आपको दिखाया जाए, सिंपल आटा मैदे से ही बनते हैं। 1 किलो मैदा ले लें, ज़्यादा बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे पेड़े 5 बने हुए, ठीक है। 1 किलो मैदा लेंगी, उसमें 1 खाने के चम्मच नमक मिलाएं, 2 खाने के चम्मच शारजा बनस्पति घी या शारजा कुकिंग ऑयल डाल दिया था, अच्छी तरह उसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसकी डो बनाएंगे। आटा गूंदना है और इतना अच्छा आटा गूंदना है कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, इसमें दरार ना हो, आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो, ठीक है। अच्छी तरह गूंद के 15 मिनट कवर करके रख देना है, ठीक है। 5 पेड़े अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप 10 से 20 पेड़े बनाएं, जितने आप ज़्यादा बनाएंगे उतनी अच्छी लेयर्स बनेंगी आप, लेकिन इसकी लेयर 4 से 5 रोटियों की रखनी है, तरीका बताऊँगा। मांदा पट्टी है तैयार भी थैला है, दिसो इस तरह की कटिंग करके आपने रख देनी है, ठीक है। ये यूज़ करेंगे और बनाने का तरीका आपको बताता हूँ, ये मार्केट में मिल जाती हैं, बहुत से सिटीज़ में इंटीरियर वगैरह में नहीं मिलती, तो इसलिए बनाना सिखा रहा हूँ। कराची, हैदराबाद, सखर वगैरह बड़े सिटीज़ में बेकरीज पर मिल रही हैं आजकल, ठीक है। हिन ये ठाहिण जो तरीक़ो छा आहे, 1 किलो अटो खणंदो, मैदो खपे, ठीक है, अटो ना, उनके छाणे वठो, पहले चंगी तरह छाणण का पोन में 1 खाइण जो चमचो, 1 किलो में लूण
ब खण जो चमचा या टे खण जो चमचा शारजा बनस्पति घी या शारजा कुकिंग ऑयल विझबो चंगी तरह उनके हथ से माटबो ताकि घी उनके अंदर मिक्स थी वे उनका वो थोड़ो थोड़ो पानी विझी सख्त अटो गोयणो है सुठी तरह अटे गोए ताकि उनके गड्ढा न होजन सॉफ्ट भी न हो सख्त भी न हो मथा मलमल जो कपड़ो हणी 15 मिनट रखो उनका पेड़ा ठाईद वो पंज पेड़ के किए ठाइण है किए ऑयल लगाना वो तरीको बुधा तो कॉल वो था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रही हूँ जी। कुछ कहना चाहेंगी? माशाल्लाह रमजान की रेसिपी आपने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अब रमजान आ रहा है, 2 वीक है इंशाल्लाह, तो मैंने सोचा आज से स्टार्ट कर लेना। अच्छा फैसल भाई, स्टेक बोटी भी बनाना सिखाएं। क्या चीज बनाना सिखाऊं? स्टेक बोटी जो रमजान में बनाती है। स्टेक बोटी रमजान में जो बनती है, ठीक है, जिसको अंडे की या ब्रेड क्रम की कोटिंग होती है। हाँ, वो वाली। ठीक है इंशाल्लाह रमजान की। अच्छा टाइमिंग चेंज हो जाएगी, मैं हमें 2 से 3 या 3 से 4 जो भी होगा अनाउंस कर दूंगा, फिर उसमें देखते रहेगा, कंटिन्यू होंगी रेसिपीज। ठीक है, ठीक है। और डेली लाइव होगा, उसमें कोई छुट्टी नहीं होगी मेरी। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑयल दे दी मुझे, ऑयल। ठीक है, शारजा कुकिंग ऑयल इनमें भी जंदा सी टे खाने जा चमचा आइन में केड़ी केड़ी वेजिटेबल्स आई चिकन की क्वांटिटी किए वेंदी वो सब तक बुधाएं। तो पहले छाता क्यों अस भाजी ठाई था वूँ ताकि इनके थदो कबो पो या रोल के अंदर अस भरंदा सी। ठीक है, शारजा कुकिंग ऑयल यहाँ पे 3 टेबल स्पून जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ना हो कि जब रोल हम फ्राई कर रहे होते हैं तो या उसकी फिलिंग करते हैं तो उसके अंदर से ऑयल टपक रहा हो किनारों से। ठीक है, इतना होना चाहिए कि हमने स्टर फ्राई करना होता है। ठीक है, इस तरह आपने रोल बनाना है। यहाँ पे सब्जियां क्या क्या हैं, 1 पाव आधी बंद गोभी ले लें। ठीक है, इसको आपने बारीक कद्दूकश की तरह कट लेना है, काट लेना है। 2 अदद शिमला मिर्च है, 1 गाजर थी उसको कद्दूकश किया हुआ, 1 गजर आए उनके कद्दूकश कहलाए। ठीक है, वड़ी गजर खण जो उन्हीं क्वांटिटी में 1 वड़ी गोभी हुई अद्ध करी छो नंढी है तो पूरी खण जो उनके कद्दूकश वांगर बारीक कटिंग कहलाए, बारीक पारचा होजन खपन। शिमला मिर्च 2 वड़ा खण जो इन तरीके से। ठीक है, साई बसर इनमें वेंदी अद्ध, हिते आहे 1.5 पा चिकन बोनलेस या सीने जो पीस खड़ी वो इनके बॉयल कजो, बॉयल करण का पोजो थदो कर रेशो ठाई वो। ठीक है, चिकन आपने 1.5 पाव ले लेनी, सीने का पीस ले लें या बोनलेस ले लें, उसको बॉयल करें, बॉयल करके पानी ड्राई कर लें और जब बॉयल करते वक्त उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दें ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं करना वरना वो फ्लेवर अजीब सा आएगा उसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, चिकन आपने सीने का पीस लेके उसको बॉयल करें, पानी ड्राई कर दें, ठंडा करके रेशा बना लिया। ठीक है, अदरक तुम जो पेस्ट चिकन खाने जो चमचो, चिकन 1.5 पा जितनी हुए हड्डी के अलावा 1.5 पा गोश हुजन खपे उनके बॉयल कर दो अदरक तुम जो पेस्ट सा गड पानी खुश कर छो पो चिकन जा रेशा ठाई वो। शिमला मिर्च थी बंद गोभी साई बसर और ये सब शयू थी। इतने 3 खाने जा चमचा शारजा कुकिंग ऑयल गरम कर। ठीक है, इनमें विझासी सभी का पैं बंद गोभी। ठीक है, बंद गोभी चली गई, इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे 2 मिनट सिर्फ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या डालेंगे, गाजर, गाजर कद्दूकश किया हुआ तो जल्दी हो जाएगा, गोभी थोड़ी सी कसर होती है इसमें, पहले बंद गोभी को डालिए। ठीक है, 3 टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल गर्म किया, इसमें बंद गोभी को स्टर फ्राई किया 2 मिनट से, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, क्रंची रहने दें लेकिन कच्ची नहीं हो। ठीक है, तेज़ बाहे ते गोभी के स्टर फ्राई कर 2 मिनट कौ, इनका इनमें विझो गजर शिमला मिर्च, गाजर और शिमला मिर्च। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बहुत गलाना नहीं है, क्योंकि इसको जस्ट हमने लाइट सा कुक करना है, स्टर फ्राई करना है, और क्योंकि ये जब रोल हम फ्राई करते हैं फ्रेश करने के बाद वो फिर वेजिटेबल्स में फ्राई हो रही होती है, और अगर बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं सब्जियाँ। गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी। ठीक है, 3 खाने जा चमचा हर शे नोट कजो, हाँ रमज़ान के हिसाब से बार बार मैं रिपीट न कर सकंदम तो वो पेज आए मुझे होते ही रेसिपी अपलोड थी और वीडियो दिसण ला सर्च कजो कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD या कुकिंग शो भी सर्च कंदो तो ताके वीडियोस मिली वेंदी होते ही रेसिपी अपलोड थी। ये विझण का पॉइंट में वेंदी चिकन, थोड़ा थोड़ा टाइम देके 1-2 मिनट बाद। ठीक है, चिकन डाल दिया रेशा करके, चिकन को इसमें मिक्स करें। अब इसमें क्या डालेंगे, तेज़ आंच पे करना है ताकि सब्जियां पानी ना छोड़ें। ठीक है, अब इसमें मसाले जाएंगे, जलनी भी नहीं चाहिए सब्ज़ी, इस चीज़ का भी ख्याल करें, और तेज़ इतनी भी ज़्यादा ना हो, ये नॉन स्टिक है तो इसमें लगती नहीं है, वरना सिल्वर के पैन में या कढ़ाई में हम बना रहे होते हैं तो चिपकना शुरू जाती है, उसका बहुत ख्याल रखिएगा। 1/2 टीस्पून भर के डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, 1/2 चाय जो चमचो भरे हुए जनासी कुटियल कारा मिर्च। ठीक है, 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक, 4 टेस्ट सॉल्ट डालूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है,
चाइनीज सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाया करें, ना यूज़ करें, मना कर दिया गया है वैसे भी। और ये चिकन पाउडर इजीली मिल जाता है, 2-3-4 चाय के चम्मच चिकन पाउडर या 2 खाने के चम्मच चिकन पाउडर चाइनीज सॉल्ट की जगह यूज़ करो, ठीक है। चिकन पाउडर मिली वो पीले रंग जा साशे मिलंदा आहिनि, समझ अची वेंदी। सोया सॉस इनमें वो 2 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा, 2 टेबल स्पून, ठीक है। साथ साथ हिलाते रहें ताकि सब्जियाँ नीचे से लगना ना शुरू हो जाए। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस प्लेन वाला जो हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं ये प्लेन वाला है, ठीक है, ये वाला आपने 2 टेबल स्पून डालना है। सफ़ेद सिरका इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, ब खंड जा चमचा अचो सिरको, ब खंड जा चमचा चिली सॉस जो चाइनीज़ में यूज़ कबो है, ठीक है, ऐं ब खंड जा चमचा सोया सॉस, अधु चाय जो चमचो भरे विझंदासीं हिन में कारा मिर्चन जो पाउडर, अधु चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, अधु चाय जो चमचे का मथे हिन में वयो लूण, ऐं हुन सां गॾु मां हिन में छा विधो आहे, चिकन पाउडर। चिकन पाउडर न मिले त परेशान न थी जो हुनजे बग़ैर बि थी वेंदो, लेकिन ख़ुशबू ॾाढी सुठी ईंदी आहे चिकन पाउडर खां, ज़ाइको ईंदो आहे। त इहे विझी हिनखे 2-3 मिंट फ्राई कंदासीं तेज़ बाहि ते, ताकी हिनजो पाणी जेके हिन जे अंदरि विया आहिनि उहे सभु ख़ुश्क थी वञनि। सावा मिर्च ऑप्शनल आहिनि, मां विझां पियो, अगरि नथा विढ़नि तेज़ी ॿारनि जे हिसाब सां ठाहियो त पोइ सावा मिर्च न विझो, लेकिन मां हिन में 3-10 सावा मिर्च विझां पियो, मोटा वारा, हुनजी तेज़ी घटि हूंदी आहे, ॿिज कढी हुनखे कटिंग करे विझिजो, ठीकु आहे। हरी मिर्च इसमें डाली है 3 अदद, बीज निकाल के मोटी वाली हरी मिर्च डाली का फ्लेवर के लिए, अगर बच्चों के लिए बना रहे तो फिर ना डालें। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर भाई, मैं प्रवीण सांगत से बात कर रही हूँ। जी, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। जी, कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश आपकी? मैं मांदा पट्टी बनाना सिखाऊंगा अभी, लेकिन उसकी जो फिलिंग होती है रोल्स की वो बना रहा हूँ अभी। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप टीवी की तरफ जाएं, मैं पूरी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, अभी अभी स्टार्ट की है, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आखिर में चूल्हा बंद करके इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन जो हरी प्याज होती है 1/2 कप जितनी, ठीक है। साई बसर जो साओ वारो हिस्सो विझिजो, अछो वारो हिस्सो ना विझिजो, 1/2 कप जेतिरा। 3 डंडियूं खणी वठिजो, हिनखे बारीक कटिंग करे इहे विझे मिक्स कयो, ऐं हिनखे हाणे कढी वठंदासीं हिकिड़े खुले प्लेटर में, ताकी इहा थधो थी वञे। हिन खां पोइ इहे रोल में भरिजो, गरम न भरिबो न त रोल टुटी पवंदो, ठीकु आहे। रोल टूट जाते हैं, इहे ठंडा कर लें बिल्कुल, इसको अच्छी तरह ठंडा करके आपने रोल में फिलिंग करनी है, वो मैं बताऊँगा कैसे फिलिंग होती है, ठीक है। साथ साथ अब आते हैं मांदा पट्टी कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। इसकी रेसिपी रिपीट कराता हूँ। इसके लिए हमने क्या लेना है, वेजिटेबल में 1 पाव बंद गोभी बारीक कटिंग की हुई, जूलियन कटिंग की हुई, और 1 पाव जितनी गाजर, 2 बड़ी शिमला मिर्च 1 पाव के वज़न में, ठीक है। बारीक बारीक जूलियन कटिंग कर दें, हरी मिर्चें 2-3 अदर कटिंग कर लें, ऑप्शनल है। हरी प्याज 1/2 कप कटिंग कर लें, और चिकन बॉयल करेंगी 1.5 पाव जितने वज़न में, सीने का गोश्त का पीस हो, बोनलेस हो या हड्डी वाला हो, तो उसके साथ 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाल के उसको आपने बॉयल करना, पानी खुश कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद, अच्छा ये नूडल्स हैं ये मैंने बॉयल करके रखे हुए, ऑप्शनल हैं, मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये मैं डालना भूल गया, ठीक है जी। ब्रेक जो भी टाइम थी पियो, ही नूडल्स आहिनि, अगरि ये विझण चाहियो त हिन में विझी सघो था, ठीक है। ये ऑप्शनल आहिनि, कुझु में मां विझंदमि कुझु में न विझंदमि। हीअ ॾेखारे छॾिजो, नूडल्स बच्चों के जो मिलते हैं बग़ैर मसाले के, इसको बॉयल कर लिया है, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ये भी मिक्स कर सकती हैं, मैंने साइड में रखे हैं, कुछ में डालेंगे। इसकी शॉर्ट ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ अची रेसिपी कंटिन्यू कंदासीं, हुनमें ठाहींदासीं स्प्रिंग रोल, ऐं जीअं फिलिंग कीअं थींदी उहो तव्हांखे ॿुधाए, ऐं जीअं फ्राई कीअं थींदा आहिनि सॼो फ्रीज़र जो तरीक़ो ॿुधाईंदासीं। वठूं था शॉर्ट ब्रेक। Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. Welcome
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक तव्हां खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी टाइप शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल आहे, लो कोलेस्ट्रॉल गिह आहे, ओमेगा थ्री मौजूदु आहे। मज़ेदार में खाधा ठाहींदा आहिनि, लेकिन हाणे असां मज़ेदार रमज़ान जी तयारी जेका कंदासीं शारजा कुकिंग ऑयल ऐं शारजा बनस्पति गिह सां गॾु स्प्रिंग रोल ठाहियां पियो, जेको वेजिटेबल ऐं चिकन जा रोल हूंदा आहिनि, जेको असां फ्रेश करे रखंदा आहियूं, जे तरीक़ेकार सॼो ॿुधायां पियो। रेसिपी वरी रिपीट कराईंदमि। हिते वेजिटेबल मां फर्स्ट ब्रेक में ठाही छॾियूं, हाणे जेके मानियूं हुन मां ठाहियूं आहिनि, 6 मानियुनि जा पेड़ा पहिरीं ठाहिजो अलॻि अलॻि, ठीकु आहे। हे तक़रीबन 1.5 पाव मां 6 मानी जा पेड़ा ठाहिनि था, 24 हिकु किलो में 24 मानियूं ठहंदियूं, ठीकु आहे। हिकु किलो में 24 मानियूं ठाहिजो, उनजो तरीक़ोकार ॿुधायां थो। 1 किलो मैदे से 24 कम अज़ कम आपने पेड़े बनाने, और 24 पेड़े बना के आपने रख देने, उसके बाद इस तरह छोटी छोटी रोटियां बेलें, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, इसके ऊपर आपने लगाना है ऑयल इस तरह, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है मांदा पट्टी कैसे बनती है, ठीक है। 24 बनानी है, क्योंकि आपने तो ज़्यादा बनानी होगी, 1 किलो का हिसाब बता रहा हूँ। 24 आपने पेड़े बनाने, इस तरह छोटी छोटी रोटियाँ बनाएं, ऑयल अच्छी तरह ऊपर लगाया, उसके बाद मैदा लेना है, इसके ऊपर डस्ट करना है, ठीक है। मैदो हीअं 1 खां 1.5 टेबल स्पून मैदो मथां विझंदो, चङी तरह जे मथां फैलाए छॾिजो, ठीकु आहे। हुन खां पोइ पहिरीं मानी ते ऑयल लॻायो, पोइ मैदो लॻायो, वरी हुनजे मथां हिकिड़ी मानी रखी, ठीकु आहे। हीअ सेकेंड लेयर, हिनजे मथां शारजा कुकिंग ऑयल, इस तरह ऑयल लॻाया, ठीकु है। फिर मैदा उठाएं, इस तरह डस्ट करें ऊपर से अच्छी तरह, ताकि रोटी अच्छे से आपकी मांदा पट्टी बने, ठीक है। ये करने के बाद इसके ऊपर फिर एक रोटी रखें, थर्ड लेयर, ठीक है। ये बड़ी हो रही है, थर्ड लेयर रखिए, एक जितनी रोटियां बनाए। फर्स्ट के ऊपर ऑयल लगाया, फिर आपने मैदा लगाया, फिर रोटी रखी, फिर ऑयल लगाया, फिर मैदा लगाया, फिर रोटी रखी, फिर ऑयल लगा रहा हूँ, ठीक है। पहिरीं मानी रखी, उनके मथा ऑयल लगाया हथ सां, पोइ मैदो लॻाइजो, मैदो हीअं छड़के छॾिजो मथां, ठीकु आहे। मैदो विझण खां पोइ हुनजे मथां ॿी मानी रखिजो, वरी हुन मानी जे मथां ऑयल लॻाईंदो, ऑयल लॻाइण खां पोइ वरी हुनजे मथां ॿी मानी रखंदो मैदो विझी, ठीकु आहे। हिन तरीक़े सां हीअ टे थी वियूं, हीअ चोथी मानी, ठीकु आहे। कोई बात नहीं, छोटी बड़ी हो रही है, वो बेलने में बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छी तरह ऑयल लगाना है, 1 टेबल स्पून जितना ऑयल होना चाहिए, इस तरह, ठीक है। उसकी रेसिपी दोबारा वेजिटेबल चिकन की रेसिपी फिलिंग की बताता हूँ, लेकिन पहले ही आप सीख लें, ठीक है। 4 रोटियाँ हो गई, इसके बाद 5वीं उठा ली, 5 मानी खाई, अच्छी तरह लगाया। फिर 4 रोटियां भी कर सकती हैं, अगर 6 आपको ज़्यादा लग रही हैं तो आप 4 का भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर 6 कंट्रोल न थो थिए हथ, तो आप 4 मानी जो भी तव्हां करे सघो। अच्छा, लास्ट जेका मानी आहे मथां रखंदो, हिन जे मथां ऑयल न लॻबो, ठीकु आहे। जो लास्ट रोटी है, इसके ऊपर ऑयल नहीं लगेगा, इसके ऊपर आपने सिर्फ मैदा लगाना है, इस तरह, ठीक है। अब हमने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, लास्ट रोटी पे आपने मैदा लगा देना है अच्छी तरह, और इसको पलट दें, नीचे मैदा गिरा हुआ ये भी इसके ऊपर डस्ट कर दें, समझ गए ना, इस तरह आपने करना है, ठीक है। वरी बुधाई तो छा, एक मानी रखी, उनके मथा ऑयल लगाया, पो मैदो छड़क जो, वरी मानी रखी, वरी ऑयल, वरी मैदो, इन तरीके से आखिरी मानी के मथा सिर्फ मैदो लगाना, ऑयल नहीं लगाना, ठीक है। मैदा लगा के इसको हाथ से बैलेंस करें, बैलेंस करने के बाद इसकी आपने रोटी बेलनी है मैदा लगा लगा के, ठीक है। और रोटी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जितना आपका तवा है उससे बाहर ना जाए, इस तरह घुमाएं, ठीक है। रोलिंग पिन से इसको अच्छी तरह आपने बड़ा करना है, लेकिन तवा जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। मेरे पास मीडियम साइज़ का तवा है, मैदा दोनों साइड पे लगा हुआ है, मैदा फैला दें, बहुत ज़्यादा मैदा भी ना हो कि तवे पे जल रहा हो, ठीक है। ये आपने इसकी लेयर्स खोलनी है, बिल्कुल सही है। तवो गरम कंदासीं, स्टीम लॻण जो ख़तरो हूंदो आहे, जीअं मानी खे खोल बोए तरीक़ो ॿुधायां थो, इलाही एहतियात सां हीअ कजो, स्टीम हथ में न लॻे, ऐं तमामु सुठे तरीक़े सां हीअ मानियूं तव्हांजूं ठहींदी वेंदियूं, हुनखे खोलंदा वेंदो, पोइ हुनजी कटिंग थींदी आहे, मांदा पट्टी हुन मां ठहंदी आहे, ठीकु आहे। अच्छी तरह इहे हो गई रोटी, इस तरह की रोटियां आपने बनानी, अगर पीछे इस तरह डस्ट है तो ये पूरा फैला दें, ठीक है। इसको ऐसे झाड़ दें ताकि इसके ऊपर से, अब ये लेयर्स खुद ब खुद उतरना शुरू होंगे, वो बताता हूँ तरीका कैसा है। अच्छी तरह तवा गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि हाथ भी जल रहा और रोटी भी जल रही हो, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर फैला के रख दी, ठीक है।
ऐं हिकिड़ो प्लेटर या को अहिड़ी शइ रखिजो जंहिंमें तव्हां मानी लाहींदा वेंदो, लेयर हुन में रखंदा वेंदो कवर करे, ताकि में हवा लॻंदी त पापड़ी ठही वेंदी आहे, हिन शइ जो ख़्यालु रखिजो, ठीकु आहे। हवा नहीं लगनी चाहिए, जो जो लेयर उतारते जाएंगे उसको कवर करते जाएं कपड़े में या पतीले में, उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, हवा लगेगी तो पापड़ी बन जाएगी इसकी, ठीक है। इस तरह आपने इसको बस, रोटी पकाने में आप एक्सपर्ट हैं तो आप आराम से कर लेंगी, बस हाथ ना जले, इसकी इस लेयर खोलने में थोड़ी स्टीम लगती है हाथ पे। ये अच्छी तरह आपने इसको पकाना है और पलटते जाना है और बनाते जाना है, बार बार पलटें, बार बार पलटें, ताकि चारों तरफ से एक जैसी हो जाए, ठीक है। इस तरह सारी रोटियां आपकी बनेंगी, फिर पलटाऊंगा, फौरन फौरन पलटाना है, ठीक है। कलर नहीं देना है, रोटी जैसा कलर नहीं आना चाहिए, बस लेयर आपकी पकना शुरू हो जाए। और इसको खोलने के लिए छुरी रखें साथ, बहुत एहतियात से, चूल्हा हल्का करना चाहें लेकिन बहुत हल्का ना हो, चूल्हा हल्का करते हैं जैसे रोटी कड़क हो जाती है, इस तरह इसकी लेयर भी कड़क हो जाएगी। ये देखिए अब एक एक लेयर खुद ब खुद उतरना शुरू हो रही है, ठीक है। एक एक लेयर टे चार दफ़ा पलटाने का पोहे पचंदी, ठीक है। इस तरह पकने दें, वाइटनेस आ रही ऊपर जैसे मांदा पट्टी के ऊपर होती है उस तरह, और एक हॉट पॉट या कुछ साथ रखें। अब ये खुद ब खुद लेयर आपको लगेंगी खुलना, छुरी का उल्टा साइड लें हल्का सा इसको खोलने के लिए, इसके अंदर स्टीम होती है, ठीक है। ये देखें स्टीम निकल रही है, कवर हटाएं इसका, ये लेयर मैंने उतार दी, ये उतार के मैंने अंदर डाल दी, इसको हवा ना लगे। अब इसको पलट दें, इस साइड की लेयर खोलें, दोनों साइड की एक एक लेयर खोलते जाएँ, ठीक है। कॉल बैठ होता, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम दा साला, बिल्कुल ठीक ठाक अदी, तां बुदायो छा हालन, हाल लगे दा सुनो, हेलो जी जी अदी, आवाज अच्छे पे मुजी जी आ दा सा प्रोग्राम ले दो जको संडे वाले दी के उन को सा ठाई से बिरयानी छा ठाई मा आलू जी बिरयानी छा ठाई भी ना जी आओ जी अदी मेहरबानी को भी फरमाइश ता जी चलो ठीक है पंजो कोड सारो ख्याल रखो ठीक है दी जी अदा हाने भी दिसु पता ने प्रोग्राम उनी दी तालम के ये मांदा पट्टी खाए के ताना के ओ से तैयारी कई हुई थे अच्छा बस हाने ही ठाए जो पर मुके बुधाए जो के किए ठाई है ठीक है ठीक है बस ओके दी थैंक यू अल्लाह हाफिज़ ठीक है अच्छी तरह इसको घुमाते जाएं एक साइड पलटें उसकी लेयर उतारें फिर पलट दें दूसरे साइड की लेयर उतारनी एक ही तरफ की नहीं उतारें ठीक है भाई पासा पलटाइंदा जो अगर जी चिपकी पाए थी नथी खुले तो छुरी जी नोक सा खुली वेंदी है ठीक है जल्दबाजी ना कजो बिल्कुल आराम से एकड़े पासे का ये खणंदो तो ये खुली वेंदी है डबल लेयर्स होंगी छह लेयर्स आई ठीक है ये देखें इसमें से स्टीम निकलती है एकदम हाथ हटा दिया करें स्टीम में आपका हाथ जल सकता है ठीक है तो तवे पे हाथ ना लगे तवा गर्म होता है बस ये थोड़ी मेहनत है कपड़ा पकड़ लें ये देखें स्टीम निकल रही है स्टीम का थोड़ा हथ बचाना ताकि ये हो गई इस तरह और जो इसके किनारे एजेस हैं मोटे वाले वो फिर पापड़ी में कायम आएंगे वो ज़ाया नहीं होंगे परेशान नहीं होना है ठीक है एक थोड़ी डार्क हो गई कोई मसला नहीं है चूल्हा बंद कर रहा हूँ छठी लेयर के लिए चूल्हा बंद करके ताकि नीचे वाली लेयर हमारी डार्क ना हो कॉल बैठूँ था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खुशा वदा बिल्कुल ठीक ठाक अदी कह रहे कि था गलायो प्या अदा मा वईदा छ कराची को दी गलाया हां हां छ हाल इन ता जा हां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मा ठीक आया जी प्रोग्राम दिसो प्या जी अदा इने लाइट मा काल कई त माने छ था खायो जो अदी मांदा पट्टी ठाए पे जो का समोसा रोल मिलंदा इन कीमे वाला समोसा चिकन समोसा उन जी पट्टियों जे केन वो ठाइन सिखा रहा पियो अच्छा हे जी के हाने जुन पे बिल्कुल सही गल है ठीक है ये देखें इसकी लेयर्स मैंने कवर करके रखी है ठीक है समझ आ गई आपको किस तरह मैंने बनाई है इस तरह करके अब इसकी फिलिंग हम स्टार्ट करेंगे पहले मैं इसकी कटिंग बताऊंगा आई कटिंग बुधाइण का पेरी माता बुधाई छा कि हे मानियूँ चौवी मां छह पट्टियों ठाई हुई चौवी एक किलो में चौवी ठहदियों ठीक है उन हिसाब से कुछ जितनी ठाणियों तुम सौ भी ठाई सको था बस सौ भी ठाई सको था एडी मुश्किल ना है ठाण मांदा पट्टी ठीक एडी आसान है ठाण थोड़ी पतली करे ठाए जो सुठियों करे ठाए जो ईजीली ठही वेंदी है ठीक है ये क्लियर कर दिया मैंने इसकी कटिंग कैसे होती है कटिंग आपको बताता हूँ ठीक है बहुत ही इजी है मांदा पट्टी बनाना कटिंग आप समोसों के लिए इसमें मैंने कवर करके इसलिए रखा था ताकि ये पापड़ी ना बने इसके ऊपर ठीक है
ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह, इसमें अभी भी स्टीम आ रही है, ठीक है, इस तरह की, ये देखें इस तरह स्टीम आ रही है, है ना, तरीके से बड़ नंढियूं थी वहीं, तो उनके साइड में क्यों था पहले चार मानी जी कटिंग कंदासी, ठीक है। अच्छा हिन जी जो साइज आए रोल जी हे पहले का ये कटिंग थियल है मोट हे दिसो हे तकरीबन आए 5x5 स्केल हुंदा इन बारन जा जेको स्केल हुंदा इन फुट्टा हुंदा इन हुनका मापे छजो, ठीक है। 5x5 फुट जी हिकड़ी पट्टी ठाई वजो, ठीक है। 5x5 इंच की जो स्केल होते हैं बच्चों के वो ले लें, मैं अंदाजे से काट रहा हूँ, ठीक है। इस तरह तेज छुरी से आपने ये काटनी है जी। कॉल बटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। अनम गलायो पिया जी? हाँ दा अनम गलायो। छा लेन अनम जी? हाँ दा ठीक है, गदा ताहे वेलकम। वेलकम कादे वियो सुमा मैं दा ता आया है संगे सुजा प्रोग्राम जो नहीं करी। हेलो प्रोग्राम दिसो पिया जो को जी? हाँ दा माथा पति ता खाए जा जरूरी है चाहे कना थी है दा मुझे पूछनो हो तो मैं मानदा से तुझे ना ता खाए दा मांदा पट्टी ठही वे थो कर शॉपर जो मिलता है ना बिल्कुल क्लीन शॉपर हूं ट्रांसपेरेंट उनमें रखो उनमें रखी सीधी लेयर कर फ्रीज कर छो अगर फ्रिज में भी रखो तो 15 ताजी खराब कान थी थी, ठीक आए उन्हीं तरीके से रखो फ्रीज अगर तक छो लाइट जो भी इशू हों कहीं टेम्परेचर अप डाउन थो तो फ्रिज में रखी छो फ्रिज में खराब कौन थी 15 यूज कर सो रखी लेकिन शापर में हवा न लगे पानी न वने बस कवर कर टेप लगे रखी छो ठीक बिल्कुल जल्दी पूछो डोनट्स हाँ रमजान का इंशाल्लाह। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये हो गई रोल पट्टी, ठीक है, इस तरह। और ये जो एजेस हैं ये अभी पापड़ी बनाएंगे इसकी, इसको आपने ऐसे से कटिंग करके शॉपर में भर के रख दें, फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें, इस तरह एजेस बन जो हैं जितने भी ज़ाया ना कजो हे टुकड़ा, ठीक है। इनके असा हाँ फ्राई भी कंदासीं, हीअं करे मिक्स करें इनके शॉपर में भरे फ्रिज में रखी छो फ्रीजर में रखो जी पापड़ी की जरूरत होंगी इनके डीप फ्राई करे तहां कढ़ी वठंदो हे पापड़ी थी वेंदी, ठीक है। इन तरह अच्छा हे थी वही मांदा पट्टी रोल की पट्टी है, ठीक है। समोसे की पट्टी ठाणी है तो इन जहाँ ब हिस्सा कजो, ठीक है। समोसे की पट्टी बनानी है तो इसके दो हिस्से आपने करने, ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ये दो हिस्से करेंगी तो ये समोसे की पट्टी बन जाएगी, ठीक है। समोसे की पट्टी है, समोसे की फिलिंग वो भी अभी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये हो गई हमारी मांदा पट्टी तैयार और इसको रख देते हैं इसमें, ये मैं साइड्स में रखता हूँ। एजेस जो इसके हैं इसको फिर हम यूज़ करेंगे बाद में। अब हम आते हैं फिलिंग पे, ठीक है। फिलिंग जो रेसिपी रिपीट कराई तो छा कि फिलिंग में असा छाछा भी थी आई गड गड माई जी फिलिंग तैयार किया तो। अच्छा फिलिंग को कवर करने के लिए अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, मैदे का पतला सा बैटर बना के यूज़ कर सकते हैं। वो ला दे मुझे फिलिंग खाला, ठंडी हो गई होगी, ठीक है। शारजा कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जब ऑयल हम फ्राई करते हैं रमज़ान में तो जब भी पकोड़े बनाएं कोई भी चीज़ बनाते हैं ऑयल को क्लियर करके छान के ठंडा करके रखा करें, उसको 5 से 6 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर बार बार आपने उसी ऑयल को यूज़ किया तो वो डार्क होना शुरू हो जाता है, लेकिन छान के रखेंगे तो डार्क नहीं होगा। ये देखें ये ठंडा हो गया मैट इसका मिक्सचर, इसमें से आपके 24 रोल आराम से बन जाएंगे, ठीक है। हिनमा ताजा 24 रोल आराम से ठही वा जी क्वान्टिटी में तक बुधाई है 24 पट्टियों 24 इंजा रोल ठादा, ठीक है। अभी ये बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए पट्टी, ठीक है। इसके दो साइजेस होते हैं, एक आप छोटे भी बना सकते हैं रोल आप बड़े भी बना सकते हैं। इसमें हम उठाएंगे मसाला, यहाँ पे साइड में रखेंगे, ठीक है। मसालो खड़ी एक खाने के चमचे का मथे डेढ़ खाने जो चमचो मसालो खड़ दो हाँ ही ठाई रखो 15 पे ठाई रखबा ताकि सुठा फ्रेज भी थी टाइम भी हिंसर होंद बाद में टाइम नो मिले नमाज होंगी बिजी हों अफ्तारी की तैयारियों पैरी का बस कढ़ियों तक 15 मिनट पैर इनके डीप फ्राई करो मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। ये आपने कवर करना है इस तरह,
दूसरा पोर्शन इस तरह, ठीक है, ये इस तरह कवर होता है। लेकिन इसको करने से पहले हमने क्या करना है, एक अदद अंडा बीट करें, अंडे को बीट करके इस तरह किनारों पे लगाएं, ठीक है। अंडों फेटे बिल्कुल आराम आराम सा है, सब आराम सा हिकड़े डी में ठाई सको था, ॿिनि ॾींहनि में ठाही सको था, ठाहींदा नो फ्रेश कंदा नो। अच्छा समोसा हिन ई वीक में तव्हांखे समोसा चिकन जा ऐं बीफ जा बि ठाहिण सेखारे वठंदमि, ताकि उहो बि फ्रेश करे छॾियो। ये आपने इस तरह फोल्ड करना है, ये आपने इस तरह फोल्ड करना है। मैं मीडियम साइज़ के बना रहा हूँ, बहुत बड़े रोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाए भी नहीं जाते इफ्तारी में। इस तरह कर दिया कवर, फिर इसके किनारे पे आपने अंडा लगा दिया। मैदे का बैटर क्या होता है, वो मोटा कर लेता है इसको लेयर को, इसलिए मैं अंडा लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको उठाया, दोनों फिंगर से पकड़ के इसको फोल्ड करें, फोल्ड कंदा मंजो। लास्ट में अची वरी इतने बेदो लगाई छो, ठीक है। लास्ट में आके इस तरह अंडा आपने लगा देना, ठीक है, ठीक है। एक प्लेटर खाई था, ये देखें रोल हमारा एक हो गया तैयार। अच्छा ये जो है मैंने रोल इस तरह, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से खुल नहीं रहा, इस तरह आपने बनाना है और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ना कहीं से मसाला निकलेगा, ना कहीं से ये ऑयल बाहर आएगा या ऑयल अंदर जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके रोल तैयार होंगे। कुछ में हम ये नूडल्स मिला रहे हैं, ठीक है, जो बच्चों के नूडल्स होते हैं बॉयल किए हुए, कुछ में इन मिला दें, इससे भी बहुत मज़े के बनते हैं। आधे पोर्शन में मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, अध पोर्शन में मिलाएं पर सभिनी में ना, ये ऑप्शनल आहिनि, तव्हांजी मर्ज़ी, तव्हां हीअ विझी ठाहियो या जे बगैर बि ठाहियो, हीअ बि मज़े जा लॻंदा आहिनि हिन सां गॾु, हिनखे तव्हां मिक्स करे सघो था, ठीकु आहे। अच्छा मांदा पट्टी जी रेसिपी रिपीट करायां पियो, बुशरा नवाब शाह खां जी, नवाब शाह खां मैसेज आयो कि मांदा पट्टी लाइ असां खणंदासीं 1 किलो मैदो, हुनमें 1 खाइण जो चमचो लूणु भरे विझिजो, 3 खाइण जो चमचो शारजा कुकिंग ऑयल विधो, हुनखे मिक्स कयो चङी तरह, पोइ थोरो थोरो पाणी विझी सख़्तु अटो सुठो करे ॻोहिणो आहे। ॻोहिण खां पोइ हुनखे मलमल जे कपिड़े सां कवर करे 15 मिंट रखिजो, 24 पेड़ा ठाहिजो। पोइ हुनजी 4-4 या 6-6 मानियूं दरमियानी साइज़ जूं वेलजो, अलॻि सां पहिरीं 4 या 6 खणी वठिजो। हिकिड़ी मानी जे मथां हथ सां घी लॻाइजो या ऑयल लॻाइजो, घी न ऑयल लॻायो, खुश्क मैदो विधो, ॿी मानी रखी, वरी हुनजे मथां ऑयल लॻायो, मैदो लॻायो, खुश्क मैदो, वरी मानी हीअं रखी रखी 4 थी वेंदी। आख़िरी मानी जे मथां सिर्फ़ु खुश्क मैदो विझी हिनखे वेलणो, ॿिन्हिनि पासे पलटाए वॾी तए जॾहिं मानी करे वठिजो, हुनखे तओ गरम करे हुनजे मथां हिकिड़े पासा सेके फौरन ॿिए पासे 2-3 दफ़ा ईअं सेकंदो, तव्हांखे लॻंदो जो कलर थोरो चेंज थियणु लॻंदो आहे, त हिकिड़ी मानी जी लेयर छुरी जी नोक सां खोलंदो, पाणी निकिरी वेंदी। स्टीम जे ख़्याल सां हू खटो वरी पलटाए वरी ॿिए पासा हिन तरह पलटाईंदा वञिजो, जीअं लेयर्स कटंदा वञिजो। पोइ हुनजे बाद जो तरीक़ो वरी ॿुधाईंदासीं। हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक वठूं था, ब्रेक जे दौरान मां सॼा रोल्स ठाहियां थो, ब्रेक खां पोइ असां हिनखे शारजा कुकिंग ऑयल में फ्राई बि कंदासीं, पूरी रेसिपी तव्हांखे रिपीट करणु वठूं था शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु, तमामु मज़ेदार रेसिपी, ऐं हिन में शारजा कुकिंग ऑयल में असां हिनखे कंदासीं फ्राई, ऐं हे अंडो हिनखे लॻायां पियो, ठीक है। अंडा लॻा के 6 रोल तक़रीबन मैंने आपके सामने बना दिए हैं, ये लास्ट बना रहा हूँ बस, बाकी आप लोग खुद बनाइएगा, क्योंकि मुझे फ्राई करने फिर रेसिपी भी साथ साथ रिपीट कराता हूँ। इसको आपने इस तरह करना है क्लियर, ठीक है, साइड्स के। फिर अंडा, एक अंडा काफ़ी है, 24 से 30 रोल के लिए एक अंडा काफ़ी है। इसको बीट कर लें अच्छी तरह, मैदा नहीं लगाएं, ठीक है, मैदा ना लगाएं, जो इन तरीके से इसको रोल करते जाएं, प्रेस करके अच्छी तरह रोल करना है, ताकि रोल आपका टाइट बने, गिरे ना, इसमें से कोई चीज़ निकल ना रही हो, ठीक है। या फिर फ्रेश कर देंगे इसी तरह करके, फ्रेश करके पहले ट्रे में लगा के फ्रेश कर दें, और फिर दूसरे दिन निकाल के इसको शॉपर में भरें, ठीक है। पहले ॾींहुं तव्हां इनखे ट्रे में लगाए फ्रेश कंदो, पोइ ॿिए ॾींहुं तव्हां कढी इनखे शॉपर में रखिजो, पहिरें ॾींहुं शॉपर में न विझी छॾिजो, वञो टुटी पवंदा आहिनि, चिंबड़ी पवंदा आहिनि पंहिंजे हिक ॿिए जे अंदरि, ठीकु आहे। अब यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, शारजा कुकिंग ऑयल, पहले एक पीस डाल के देखते हैं। जब भी आपने कभी कुछ भी ऐसे फ्राई करना हो, तो एक छोटा पीस डाल के देखा करें, उससे अंदाज़ा हो जाता है ऑयल का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है, सुभाणे 11 लॻे रिपीट हलंदो। ऐं हे रोल हिनखे डीप फ्राई, अच्छा फ्राई कंदे महिल बि
ऑयल वधीक गरम ना हुजण खपे वरना छा थींदो आहे रोल एकदम डार्क ब्राउन कलर में हलिया वेंदा आहिनि गोल्डन कलर अचण खपे ऑयल में जॾहिं बि विझो ऐं ऑयल जो टेम्परेचर चेक कंदा कयो हिकिड़ो पीस विझी मानी जो या डबल रोटी जो या रोल जो हिकिड़ो नंढो पीस कढी विझंदा कयो ठीकु आहे ऐं फ्रीज़ थियल जॾहिं रोल आहिनि जॾहिं बि तव्हांखे फ्रीज़ करे कढणी फ्राई करणा आहिनि 8 मिंट या 10 मिंट पहिरीं कढो भली हुनजे मथां सख़्तु बर्फ़ वांगुरु लेयर हुजे लेकिन हुनखे डीप फ्राई करिणो आहे ठीकु आहे गरम में अगरि तव्हांखे फ्राइंग पैन में घटि ऑयल में फ्राई कंदो त छा थींदो मथां खां सड़ंदा अंदरां थधा रहिजी वेंदा ईअं न कजो डीप फ्राई कजो ढिॼण जी ज़रूरत न आहे की अंदरां सख़्तु हूंदा या थधा हूंदा तमामु सुठा फ्राई थींदा लेकिन ऑयल जो टेम्परेचर नोट करे तरीक़े सां बिल्कुलु आराम सां हिनखे कजो ठीकु आहे जब आप फ्रीज़ किए हुए रोल निकालते हैं तो एक एक घंटा पहले निकाल के न रखा करें उससे क्या होता है कि फ्रोज़न जो रोल होते हैं वो फिर पानी छोड़ देते हैं बिल्कुल नरम हो जाते हैं जब हम उसे बना रहे होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं उनका ऊपर से ब्राउन होते हैं अंदर से कच्चे कच्चे से लग रहे होते हैं गीले गीले से इस तरह ना हो आप बस निकालें 7-8 मिनट रखें उसको फ़ौरन डीप फ्राई कर दें भले वो सख्त हो लेकिन आप उसे डीप फ्राई कर लें डरें ना देखिए ये हो रहा है ये हमारे मसाला इसका इसको थोड़ा गार्निश में रखता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह का मिक्सचर इसका बनाया था ठीक है कल बनाएंगे टोमेटो केचप चिली गार्लिक सॉस और 4-5 किस्म की चटनियाँ और सॉसेस हैं ये सब कल बनाऊंगा फिर इंशाल्लाह इसी वीक में काफ़ी सारी वैरायटी जितनी भी है रमज़ान की और नेक्स्ट वीक में चांद रात तक जो भी मेरे डेज होंगे फिर रमज़ान में मैं डेली लाइव होऊंगा ठीक है रमज़ान में मेरा गैप नहीं होता है डेली लाइव होता है मेरा प्रोग्राम तो टाइमिंग में नेक्स्ट वीक आप लोग को ठीक है टाइमिंग का तो पता चल जाएगा लेकिन टाइमिंग यही होती है 2 बजे से 4 के दरमियान की कोई टाइमिंग आएगी वो फिर मैं बता दूँगा आपको इन केस अगर ना देख पाएँ या पता ना चले तो फिर आप चेक कर लीजिएगा इसी दौरान प्रोग्राम चल रहा होता है ठीक है इनके आराम आराम से यहाँ घुमाइंदा रहो वधीक ना घुमाइजो कि टुटन भी ना बिल्कुल आराम से फ्राई थी वा इनको मिक्सचर थी वो इतने रोल्स असं कटासी इनमें लीटर में ठीक है मांदा पट्टी में तीन सामू ठाई छी है मांदा पट्टी कि फ्रेश कबी है वो भी तक तरीको में बुधा छो ठीक कोशिश कदम कि इनकी पापड़ी भी तक तरे दिखारा पापड़ियाँ थोड़ी सी लास्ट में फ्राई कर लेंगे इजी है मांदा पट्टी बनाना कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है बस आपको रोटी बनाने आती है तो आप मांदा पट्टी आराम से बना लेंगे तरह इसे फ्राई होने दें मीठी कर रहा हूँ बहुत जल्दबाजी में नहीं कर रही वरना क्या होता है कि ख़राब होना शुरू हो जाती है ठीक है ये देखिए ये हो गई हमारी मांदा पट्टियाँ ठीक है ये इसका मिक्सचर एक ये हो गया कच्चा दूसरे फ्राई हो रहे हैं टैंग आए असा सा टैंग ज़बरदस्त ड्रिंक आए 5 नए फ्लेवर में दस्तियाब है मार्केट में मिले पे ऑरेंज फ्लेवर पाइनएप्पल फ्लेवर है जो मौसम्बी हाँ नवे फ्लेवर आयो है इनको लेमन पेपर ढो जबरदस्त फ्लेवर है ये मैं तमू ठाई भी अचा पे वही तरीक़ेकार बुधाई तो चाहा कि एक ग्लास में 2 चमचा एक जग में अगर पूरी फैमिली लाया पे तो 11 चमचा भरे विझन टेबल स्पून तमाम सुी थदे बर्फ़ वे पानी में या बर्फ़ से थदे पानी में तमाम सुठा ये फ्लेवर में तक ड्रिंक्स मिली वी जो रमज़ान में डेली तक नयो फ्लेवर खपे सहरी में भी पी सकता या हाँ रमज़ान का पे गर्मी है बारन के लिए मानी से गड लंच में डिनर में तुम जग ठाई रखो तमाम सुठे फ्लेवर में ड्रिंक्स अवेलेबल हैं ठीक है तुम सामू ठाकुर था रोल्स के हलाइंदा कर ताकि रोल्स जन चारों तरफा कलर इनको सुठो अची वे ठीक है रोल को जब डाल देते हैं इसमें तो चलाया करें ये जैसे हो जाएंगे तैयार तो इसके बाद हम निकाल देंगे पापड़ी वो भी फ्राई करते हैं और ये मांदा पट्टी समोसों की भी यही बनती है और उसकी जो होती है क्या कहते हैं रोल की भी यही बनती है ठीक है बाकी समोसों की बहुत सारी वैरायटी है इंशाल्लाह वो बनाते रहेंगे रमज़ान में रोल आपको अभी बनाना सिखाएं 2-3 किस्म के और भी रोल हैं तो वो भी बनाऊंगा बारबेक्यू रोल बनते हैं वो रमज़ान में इंशाल्लाह बनाएंगे बस फिलिंग आपको मांदा पट्टी का तरीका असल मुझे समझाना था वो आप समझ गए होंगे बाकी फिर बाद में रमज़ान में मांदा पट्टी नहीं बना सकूंगा डायरेक्ट हम रोल की फिलिंग क्या करेंगे बैटर बना के मिक्सचर बना के तो इसलिए अभी से आपको मांदा पट्टी का तरीका समझा दिया तैयार ऑयल छाणी में कढ़ी रखा क्यों ताकि एक्सेस ऑयल निकली वो करें ठीक है मोट टाइम में डोनाइट मन के छाणी में रखा तार रखा क्यों बहुत एहतियात से निकाला करें स्ट्रेनर में डाल के रखा करें ताकि एक्सेस ऑयल इसके अंदर से निकल जाया करें बाद दफ़ा क्या होता है ऑयल अंदर रह जाता है वो फिर गरम गरम को उठाता है तो हाथ भी जल जाता है मुंह भी जल जाता है
इस तरह ऑयल हमेशा इसका निकाल लिया करें। ये हमारे रोल हो गए तैयार। अब ये जो पीसेस थे इसको भी करते हैं फ्राई। ये पापड़ी ला जो एजेस थे, ठीक है, वो जो पीसेस साइड के बच जाए उसको आपने निकाल के फ्रीज कर लें, और जब भी बनाने आप निकाल के इसकी पापड़ियाँ बना लें। ये फिर आप छोलों की चाट में, दही बड़ों में, जिसमें भी आप यूज़ करना चाहें इस तरह। जी ऐसे कड्डी बैठा, ठीक है। सुबह 11 लगे रिपीट हलंदो काश समझ ना अचे तथा होते ॾिसी सघो त मांदा पट्टी ठाहिण तमामु आसान है। हे रसोई पापड़ियूं ठही वेंदियूं आहिनि, हलाईंदा वञो तमामु मज़ेदार। हिन जे मथां चाट मसालो विझी उहो बि खाई सघो था रमज़ान में। इसको चलाते ना इसका कलर, हाँ मुझे अंदाज़ा है। ठीक है, ये हो गए हमारे आज की रेसिपी रमज़ान की मज़ेदार वेजिटेबल रोल। रेसिपी तमामु सुठा हिन तरीक़े सां तव्हां ठाहिजो ऐं पोइ ॿुधाइजो की तव्हांखे मांदा पट्टी में का बि डिफिकल्ट थिए, तव्हां पेज ते मूंखे मैसेज करे सघो था, ठीकु आहे। कुकिंग विद शेफ़ मुंहिंजो पेज आहे, उते इनबॉक्स में मैसेज करे का बि शइ पुछणी हुजे त वीडियो बि मां शेयर करे वठंदो आहियां पंहिंजे पेज ते, उतां बि ॾिसी सघो था। असीं पापड़ी हो गई, इहे बि निकाल देते हैं। अच्छा सा कलर आ गया, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती है, आराम से आप इसको बना के रख सकते हैं, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा कलर डार्क आ जाए फिर हम बनाते हैं ड्रिंक। आज बनाएंगे ऑरेंज टैंग में, ऑरेंज फ्लेवर बनाते हैं। इसको इस तरह चलाते हैं, मज़ेदार क्रिस्पी हमारी हो गई पापड़ी तैयार, ठीक है। हाँ ठाकूँ था हाँ ड्रिंक, ड्रिंक लास आके ग्लास खपन अज मैं ग्लास में ठाया पी, ठीक है। डेली तक जग में ठाने से खाद आया, ग्लास में भी अंदाजो तक थे कि केतरी क्वांटिटी में यूज थे, ठीक है। दो ग्लास ले लेते हैं ठंडा पानी, ऑरेंज टैंग, पाउच में भी मिले पियो आई हे दबे में भी है, ठीक है। जी तुम्हें सहूलत लगे अं जो नंढा साशे भी मिलन पे वो भी तुम वही सको मार्केट में, ठीक है। साशे में भी मिल रहा है ऑरेंज फ्लेवर में, टैंग है मेरे पास। इसको कटिंग करने के बाद इसको अच्छी तरह कवर करके रखा करें। कवर करके रखने से क्या होता है, इसमें हवा नहीं जाए, और गीला स्पून कभी भी नहीं डालें, ठीक है। जब भी आप बनाएं ड्राई स्पून इसके अंदर ना डालें, इस तरह निकाल लिया करें। एक ग्लास में 2 टेबल स्पून, एक ग्लास में 2 खाने जा चमचा टैंग। जल्दबाजी में मौका भी किरे पे हो जाए, चंगी तरह इनके डिज़ोल्व कर दो, अच्छी तरह डिज़ोल्व करें। आइस क्यूब्स डालें, और रमज़ान में बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रिंक, और अभी भी बल्कि रमज़ान से पहले अभी भी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो आप बच्चों को भी अपने दें, स्कूल से आते हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बच्चों के लिए ड्रिंक बहुत ही मुफीद है, और फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे हैं गर्मियों के हिसाब से, ठीक है। हे थी वो बॉल बो खणूँ था जैमें असं कटंदासीं पापड़ियूं। रेसिपी तमामु मज़ेदार आई रमज़ान जे हिसाब सां तव्हांखे मां ठाहिण सेखारे वरिती, ठीकु आहे। इहो हो गया हमारा टैंग, ये हो गई पापड़ी, और इसके साथ स्प्रिंग रोल, ठीक है। स्प्रिंग रोल तमामु मज़ेदार ही रेसिपी, ज़रूरु हिनखे तव्हां ट्राई कजो ऐं फ्रीज करे रखिजो, ठीकु आहे। अॼु ई ठाहियो, हाणे बिल्कुलु टाइम कढी ऐं इहे ठाहिणु शुरू करे छॾियो। मज़ेदार स्प्रिंग रोल, उसके साथ पापड़ी भी आपको बनाना सिखा दी, एजेस इसके ज़ाया नहीं होते। इस तरह आपने रेसिपीज़ बनानी है, बैटर आप देख लें इस तरह का होता है, पापड़ियाँ इस तरह की होती हैं। टैंग की रेसिपीज़ तमाम मज़ेदार ड्रिंक्स के साथ सीज़न वाइज आप बनाएं और रमज़ान में लेके रखें, और शारजा कुकिंग ऑयल अपने साथ रखें। रमज़ान में शारजा बनस्पति घी का इस्तेमाल भी, जैसे पराठे हम सहरी में बनाते तो उसमें ज़्यादातर घी का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि घी से पराठों का कलर गोल्डन आता है, ऑयल से थोड़ा डार्क हो जाता है। इंशाल्लाह सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ़ से मेरा पेज, और रेसिपी अपलोड आज कर लूँगा, और इसकी वीडियो भी आएगी तो वहीं पे शेयर कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, या कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन होता है उसको लाइक करेंगे, उसको क्लिक कर लें तो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल की रेसिपी देखिएगा जिसमें केचप, टोमेटो केचप प्लेन वाला, चिली गार्लिक सॉस, और 2-3 किस्म की चटनियाँ जो फ्रिज में बना के आप रख सकती हैं रमज़ान में, वो चटनियाँ बनाना सिखाऊंगा। इस तरह कंटिन्यू रखेंगे रमज़ान तक, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सुबह 11 लगे रिपीट आंदो,
कुकिंग विद शेफ एसएल मुझे पेज होते रेसिपी अपलोड थी वीडियो दिसन ला सर्च कर सिंध टीवी एचडी कुकिंग शो यूट्यूब थे या कुकिंग विद फैसल भी सर्च कर यूट्यूब से वीडियोस मिली सब्सक्राइब कंदा कर रेसिपी जो वीडियो होंगी उनके लाइक कंदा कर इंशाल्लाह सुबाने की रेसिपी तमाम मजेदार होंगी जैमें टोमेटो केचअप चिली गार्लिक सॉस और चटनी बटे के समझू ठाई खोड़ सारो ख्याल रखो का भी शे समझना चाहे फेज पेज से मुझे फेसबुक से पेज है उसे रेसिपी कोच भी जो पूछो हो का भी शे तो उसे मैसेज कर पुछी सूँ तो इंशाल्लाह सुबाने वरी मुलाकात थी दुआ में तो हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असान जो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी एचडी कुकिंग शो।